अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी बिल्कुल फिट फाट होंगे। मौजूद हैं जी हम सेटअप पे, तो मेरा कज़न भी आया हुआ है, इन्होंने कहा यार हमें भी अपना सेटअप दिखाएं और वीडियो में भी हमें शामिल करें, तो आपको दिखाते हैं अपने चैनल में, हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये माशाल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद श्याम। श्याम कैसे हो? श्याम कैसे हो? श्याम नहीं बोलता हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा कज़न जी, माशाल्लाह इसका ख्याल से आए हुए हैं मोहम्मद रेहान, और इन्होंने कहा हमें अपना सेटअप दिखाए और अपने वीडियो में भी हम शामिल करें, तो इनसे जानते हैं, अपने सेटअप भी दिखाते हैं, उनसे जानते हैं हमारा सेटअप कैसा लगा और आपको बर्ड्स कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम रियान भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सेहत मिजाज ठीक है? अल्लाह का करम है बिल्कुल। ये मेरा माशाल्लाह भतीजा हसन उमर और ये मेरा बेटा श्याम उमर, ये स्कूल की तैयारी के लिए आज जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हो ना? आज क्या डे? आइसक्रीम डे है आपका, इसलिए घर वाले कपड़े पहन के जा रहे हो। चलो जी आए आपको दिखाते हैं अपना सेटअप। ये जी रियान भाई हमारे पास माशाल्लाह के नंबर वन में कॉमन वाइट का पेयर है। अच्छा, बहुत ही अच्छा पेयर है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और के नंबर टू में प्लम हेड का पेयर है। माशाल्लाह। और के नंबर थ्री में रिंग नेक के पट्टों का पेयर है। माशाल्लाह, बच्चों का। और ये रात का पेयर है। अच्छा, जबरदस्त। और इसमें ये रिंग नेक के ब्रीडर पेयर है। माशाल्लाह। और ये रेहान भाई देखें, ये डव का पेयर है, इन्होंने माशाल्लाह बच्चे भी दिए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फीमेल अच्छे हो वो मेल है, और ये फिंच के कुछ पेयर हैं अच्छे हैं बिल्कुल। अभी इन लोगों ने बच्चे नहीं दिए? इन्होंने छः पांच बच्चे दिए माशाल्लाह से। अच्छा, ये निकले हुए पेयर थे अब। अच्छा माशाल्लाह, और जबरदस्त भाई। आज हमारा ये प्रोसेसर है कि पिछली वीडियो में हमने बताया था व्यूअर्स को कि हमने जुम्मे वाले दिन मेरी छुट्टी हुई थी दुकान की, और कुछ चीज के जो इशू थे मुझे, ये यहाँ पे मैं दरवाजे सेट कराना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दरवाजे बहराज है, ठीक है भाई मेरा आएगा। और वो वेल्डिंग मास्टर भी है, हर फल बॉल है, ठीक वो है, सारे काम कर लेते हैं। ठीक उसे है। मैंने बताया, उसने कहा तुम सामान लेना मैं आपको सेट कर लूंगा। दरवाजे यहाँ पे बन जाएंगे ना, ये आसानी से खुल जाएंगे और आसानी से बंद हो जाएंगे। ठीक है। और सेंटर पे ये मकसद था मेरा, जब मैं हाथ डालूं तो यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए, जब हाथ डालता हूं तो ये मुश्किल होती है बहुत ज्यादा उधर, तो मुश्किल होती है बहुत मुश्किल। ठीक है। और ये देखें, ये सामान ने रेडी किया है। अच्छा, भाई का इंतजार है। अच्छा, भाई आएगा तो इंशाल्लाह उसकी सेटिंग करेगा केजों की। अच्छा, और ये छोटे केज में लाया हूँ। अच्छा, ये इनको अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, दूसरे केज में बर्ड्स को करके सेटिंग कर दे जाएंगे। और ट्रे का भी थोड़ा मसला था, वो भी हम सेट करेंगे यहाँ से, इधर से खुलता है। ठीक है, जगह हमारे पास कम है ना, फिर उससे थोड़ा इशू होता है। तो रेहान भाई आप बताए की हमारा सेटअप आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है सेटअप, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। आपने जो आपकी लोकेशन है वो ज़बरदस्त लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं पहली मरतबा आया हूँ, आपका सेटअप देखा है और दिल खुश हो गया है। मैं भी अपना यही चाहता हूँ कि मेरा सेटअप इसी तरह का हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। फिर आमीन आमीन, आपको भी कामयाब करे, आपको इनमें फ़ायदा दे, और आपने जैसे इस तरह इन्वेस्टमेंट किया है, आपको इस तरह का ना और मज़ीद अच्छी जैसे आपको बर्ड्स रखने का ना मौका दे। आप भी आए इधर, ये इधर इसका सेटअप देखें, बहुत माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त। और आप इसकी विज़िट करें और आप देखेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करम है बिल्कुल ज़बरदस्त। भाई का इंतजार करते हैं जी सर, वीडियो में शामिल करेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो रेहान भाई आपने उधर नाश्ता भी करना है, इंतजार हो रहा है। बस आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे टाइम दिया है, ठीक है ना। बस नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह आपको हाजिर करेंगे, फिर इंशाल्लाह ना फिर वीडियो बनाएंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह भाई भाई के आने तक इंतज़ार करते हैं और बर्ड्स को अनबॉक्स करते हैं। के नंबर चार में रिंग नेक का ब्रीडर पेयर है, उस केज से हम निकाल के इस केज में अनबॉक्स करते हैं, और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। के नंबर फोर से हमने रिंग नेक का ब्रीडर पेयर अनबॉक्स कर लिया है, और अब इंशाल्लाह के नंबर वन से हम
कॉमन वाई का पेयर निकालेंगे, स्केज नंबर 4 में डालेंगे और प्लम हेड का पेयर भी हम केज नंबर 2 से निकाल के केज नंबर 4 में डालेंगे, जिसकी पार्टीशन है 2 केज बन जाते हैं। इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करेंगे और कुछ इनके साथ वेट भी लगाएंगे, वो भाई अभी आ रहा है वेल्डिंग वाला, वेट लगाएंगे खाना पानी के साथ भी, दरवाजे के साथ भी, और इनके दरवाज़े भी सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। व्यूअर्स, ये रिजवान भाई ने ये प्लांट और कुछ सामान किसी लड़के के हाथ में दे दिया है। मेरे ख़्याल में उसकी देर इसलिए लग गई है कि वो साथ ही घर है ना भाई का, वो भाई है मेरा, छोटा भाई है, तो उनकी किराने की दुकान भी है। मेरे ख़्याल में अबू लोग गए होंगे बाज़ार सामान लेने, तो वहाँ से फ्री हो के आएँगे, तो मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि फ्री हो के आराम से तसली से काम करेंगे। तो लड़का दे गया सामान, ये सामान तो अब माशाल्लाह रेडी पड़ा है, तो मैं भी बहुत बेताब हूँ केजों को सेट करने के लिए। वो आएँ और केज सेट करें, तो जाते हैं बाहर और देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इंतज़ार करते हैं बाहर जाके, तो देखते हैं जाके। मौसम भी बहुत प्यारा है, बादल हैं, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और दिल्ली में पानी भी बहुत ज़्यादा है, ये देखें बहुत ज़्यादा पानी है। वो सामने दुकान है भाई की, वो सामने आपको बाइक नज़र आ रही होगी और वो लाल डाले भी पड़े हैं उसमें लिए कोल्ड ड्रिंक वाले, वहीं से आएंगे। तो ये जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, रिजवान भाई आ चुके हैं जी, और इनकी दुकान के लिए ये सेलमैन भी आया हुआ है सामान लेने के लिए। तो ये मेरे घर अंदर दाखिल हो रहे थे, तो सेलमैन बाहर खड़ा था, फिर उसे डीलिंग कर रहे हैं बेबी ये सामान दे देना। तो मैं इधर भाई के घर में शेड में काम करने के लिए आया हूँ, तो ये मेरे हाथ में ये इन्होंने ये चीज़ पढ़ाई है, फुट बोलते हैं इसे। तो रिजवान भाई आपने क्यों देर लगा दी है? देर लगा दी है, हम अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, वही मैंने व्यूअर्स को बताया कि भाई की किराने की दुकान भी है जी जी, और अबू लोग वो बाहर सामान लेने गए होंगे बाजार से, तो उनसे फ्री होके आएंगे। तो अभी भी आप देख रहे थे ना, हम काम के सिलसिले में देख रहे हैं, सेलमैन के पास खड़े थे। हाँ चलो, अल्लाह खैर करेगा, आप आ गए इंशाल्लाह, काम में दिक्कत नहीं आएगी, आप तो काम शुरू करें। ठीक है ठीक है, आए जी। हाँ जी, अपने सेटअप पे इंशाल्लाह जा रहे हैं और काम की सेटिंग आपको दिखाते हैं। जी रिजवान भाई पहुंच गए हैं, वो सेलमैन के साथ डीलिंग कर रहे हैं, फिर वो सामान भी सारा अनबॉक्स कर दिया है वेल्डिंग के लिए, और केज नंबर 4 को हम इंशाल्लाह बाहर लेके आएंगे, पहले उसकी सेटिंग करेंगे। केज नंबर 4 बाहर आ गया है, तो रिजवान भाई माशाल्लाह काम पे शुरू हैं, केज नंबर 4 के वेट लगा रहे हैं दरवाज़ों को। तो नेक्स्ट केज की जो सेटिंग है वो भी आपसे शेयर कर दें। वेट माशाल्लाह लग गए हैं केज की, अब वो ट्रे के नीचे सपोर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रे के नीचे लचक ज़्यादा थी तो बैंड हो जाती थी। ट्रे का वेट हमारा तैयार हो गया है, तो ट्रे की अब लचक ख़त्म हो चुकी है इनसे ना, और वेट भी लग चुके हैं दरवाज़ों के, और नेक्स्ट केज की अब ये हमारा केज तैयार हो गया है। ये देखिए वेट इनके लग गए हैं और ये केज रेडी हो गया, इनमें परिंदे अनबॉक्स कर